फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यशवी मित्तल मॉम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना प्रदोष व्रत की रूटीन। जो पहले मैं बता देती हूँ प्रदोष व्रत होता क्या है और इसका तरीका क्या है रखने का, क्योंकि बहुत लोग डिफरेंट तरीके फॉलो करते हैं। जो एक पर्टिकुलर सही तरीका है प्रदोष व्रत रखने का, वो मैं आपको बताऊँगी और मैं अपनी रूटीन भी दिखाऊँगी कि आज मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया और क्या खाना है, क्या नहीं पीना है और पूजा किस टाइम करनी है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें। अब आप पूछोगे प्रदोष व्रत होता क्या है। प्रदोष व्रत क्या होता है, ये तिरोस्ती वाले दिन रखा जाता है, जैसे होता है एकादशी, द्वादशी, तिरोस्ती, ऐसे तिरोस्ती वाले दिन रखा जाता है और ये शिव भगवान के नाम पे रखा जाता है। जैसे हमारा सोमवार का व्रत होता है ना, ऐसे ही प्रदोष व्रत होता है। बस डिफरेंस ये होता है, सोमवार का व्रत जो शंकर भगवान के नाम पर रखते हैं वो पर्टिकुलर सोमवार के वाले दिन रखते हैं, बट प्रदोष व्रत जो होता है वो किसी दिन भी दिन आ जाता है। मतलब ये सोमवार को भी आ सकता है, मतलब त्रोस्य अगर सोमवार के तो सोमवार को रखा जाएगा, अगर मंगलवार के तो मंगलवार को रखा जाएगा। और इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, जैसे सोमवार को आ गया तो सोम प्रदोष व्रत हो गया, मंगलवार को आ गया तो भोम प्रदोष व्रत हो गया, ऐसे ये व्रत रखा जाता है। और आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लाइक सावन में शुरू कर लिया आपने या फिर संडे वाले दिन शुरू कर लिया, ऐसे आपको ये व्रत रखने शुरू कर पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी शुरू कर लिया, लाइक सावन के टाइम पर शुरू कर लिया, सावन की जरूरत से आई तब शुरू कर लिया, या फिर किसी भी रविवार को, मतलब अगर शुक्ल पक्ष की का संडे है तो आप उस दिन व्रत रख सकते हैं। आपको अंधेरे में व्रत कभी नहीं शुरू करने हैं, वैसे सब सारे दिन एक जैसे होते हैं, बट कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष में आप व्रत शुरू करें। तो ऐसे ही मैं सुबह नहा के तैयार हो चुकी हूँ। कोशिश करें इस पे हल्का कलर पहने, लाइक पिंक कलर पहन लिया, येलो कलर पहन लिया, मतलब लाइट कलर पहनने की कोशिश करें, ब्लैक ब्लू ना पहने इस दिन, जो पर्पल डार्क जो डार्क कलर होते हैं वो ना पहनने की कोशिश करें। मैं सुबह नहा के तैयार हो चुकी हूँ, मैंने पिंक लाइट पिंक कलर का पहना है कुर्ता। इसके बाद मैंने क्या किया है, मंदिर में जोत लगाई है और आप देखेंगे मेरी बुक रखी है, इसमें सारे व्रत की कथा होती है, तो इसके अंदर सोमवार की कथा के अंदर ही प्रदोष व्रत की कथा भी होती है, वो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और शंकर भगवान की कथा भी कर लेती हूँ सुबह उठने के बाद। क्या होता है, जो प्रदोष व्रत का व्रत होता है ना, इसकी पूजा मेनली शाम को होते, एक टाइम होता है 45 मिनट सूर्य अस्त होने से पहले और 45 मिनट सूर्य अस्त होने के बाद, ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में पूजा करनी चाहिए। मतलब जब आपको लगता है 7 बजे सूर्य अस्त होने वाला है तो उसका टाइम 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग 6:15 से शुरू होके 8:45 तक का टाइम हो, 7:45 तक का टाइम होता है, 1.5 घंटा पहले, 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद में उस टाइम पर पूजा करती है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। इस टाइम पे मेनली पूजा करते हैं शंकर भगवान की। तो ऐसी मैंने जोत लगा ली और कथा कर ली, फिर मैं मंदिर गई। सावन का महीना है तो बहुत सारे लोग आते हैं आपके सामने हैं, ये शंकर भगवान की पूजा हो रही है, सब लोग थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, हल्का सा ही इतना ही कैप्चर हो पाया क्योंकि भीड़ होती है सावन के टाइम में। तो मैंने अपने जल चढ़ाया, जो मैंने पूजा करनी थी वो की, उसके बाद घर आके मैंने चाय और मखाने खाए। मखानों में नमक बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इस प्रदोष व्रत का कि हमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाना, यहाँ तक कि सेंधा नमक भी नहीं खाना। मैंने सिर्फ घी में, देसी घी में फ्राई किए हुए मखाने और चाय पी है, बस, वो भी बिना नमक के। इसके बाद क्या किया मैंने, आज मैंने बनाई है साथ में आंवला शिकाकारी रीठा का शैम्पू, क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। ये मैंने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स लिए हैं, ऑनलाइन मंगवाए हैं, ऑनलाइन क्वालिटी के नाम से, तीनों के पैकेट 300 ग्राम्स के हैं और मुझे 315 के तीनों पैकेट पड़े हैं, फ्लिपकार्ट से लिए हैं, आप जाके खरीद सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैंने इनका शैम्पू बनाया, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरी गुड़िया अभी स्कूल में है तो इस टाइम पे मैं ऐसे काम भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बच गया था ये काम करने के बाद। लगभग पानी वगैरह भी गो के मैं डाल चुकी हूँ, उसके बाद मैं गुड़िया को स्कूल से भी लिया, उसको खिला पिला दी हुई थी, अब मुझे भूख लगी थी, अराउंड 1 बज चुका था। अब मैंने क्या किया है, मैंगो शेक बनाया है, खाली मैंगो लिया है, वो भी आधा जितना मुझे एक कप में चाहिए, चीनी डाली है, इसके अलावा सिर्फ दूध डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। कई बार क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें झूठे मूठे हाट लग जाते हैं, और चाहे हम जितना मर्जी अलग अलग रहें, कई बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कहीं कीड़े लग चुकी होती हैं या झूठे मूठे हाट लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इस दिन कुछ भी गलत चीज़ ना खाऊं, कोई भी जिसमें मुझे लगे ना कि कुछ झूठा मूठा हो सकता है मेरे व्रत को, मैं कुछ भी हाथ नहीं लगाती, बस मैंने सिंपल वे से अपना दूध शेक बनाया। और आप देखेंगे वो मेरा पीछे मटेरियल भिगा हुआ है शैम्पू का। और अराउंड 4 बज चुके हैं, मैं अपनी गुड़िया को ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ, उस टाइम आके मैंने शैम्पू का बनना रख दिया।
जब तक मैं अपना काम करूँगी और उसका टाइम होगा 6 बजेंगे, इससे पहले ये सिम पे पकता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि वर्क है तो हम आराम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बच्चा है, हमें अपना वर्क फ्रॉम होम भी करना है या कोई भी जॉब करनी है या फिर घर भी मैनेज करना है, खाना भी बनाना है, तो ये सब रूटीन चलती रहते हैं। मतलब सिर्फ रात को ही आराम मिलता है। अराउंड 5:30 हो चुके थे, मुझे मंदिर भी जाना होता है तो, और मैं वॉक पर भी निकल गई। तो आज थोड़ा गर्मी है, मैं वॉक कर रही थी, वॉक करते करते लो साथ ही मैं मंदिर चली गई ताकि गुड़िया को टाइम से भी ले लूँ और मंदिर में जोत भी लगा लूँ। सावन का टाइम है तो अंदर भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, मैंने जोत वगैरह लगाई, पंडित जी की कथा वगैरह सुनी, जो भी मंदिर में था कीर्तन हो रहा था। उसके बाद मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद अब मैं अपनी गुड़िया को भी लेने जा रही हूँ और साथ साथ वॉक भी हो रही है। अभी बच्चे घर पे हैं, बच्चे मैम के पास ही हैं। आप यहाँ से देखोगे बच्चे अंदर से वेट कर रहे हैं कि अब उनकी मम्मा लेने आएगी। और ये आगे मेरी गुड़िया रोती हुई, नहीं मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो, जैसे मर्जी करके इसको मनाया। चलो अभी साइकिल पर, साइकिल पर जाने के बाद ये मेरा पक चुका था, उसको खिला पिला दिया था। फिर मैं सोचा चलो शैम्पू का काम निपटा दे, अभी टाइम है, पर दोष काल टाइम आने वाला है, अभी नहीं हुआ है। मैं जो शाम को लगाती हूँ जो कथा है, मैं शाम को एक बार फिर से आके प्रदोष टाइम में घर पे ही कर लेती हूँ। जोत भी शाम के लगा लेती हूँ उस टाइम पे, और उस टाइम पे कथा भी कर लेती हूँ। तब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, बस मैंगो शेक पिया था और सुबह चाय और मखाने खाए थे। ये शैम्पू बनने के बाद आप इसकी वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल पर जरूर देखें, बहुत अच्छा शैम्पू है। प्लस पॉइंट इस शैम्पू का ये है कि कोई भी इसमें केमिकल ऐड नहीं हुआ है, झाग भी प्रॉपर बनता है, बाल खिलते भी हैं, कोई कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती, बाल झड़ते नहीं हैं। बस बच्चों को लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि उनकी आंखों में ना जाए, क्योंकि बहुत जलन हो सकती है उन्हें, क्योंकि छोटी छोटी आइज होती हैं बच्चों की, नाजुक नाजुक आइज होती हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो जरूर जाकर मेरे चैनल पर देखें। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूँगी। इसके बाद मैंने अपनी गुड़िया को खिला पिला दिया। खिला पिलाने के बाद फिर अब मुझे भूख लगी थी और मैंने अपने हस्बैंड का भी खाना बनाना था, वो इस टाइम पे खिचड़ी खा लेते हैं। मैंने अपनी गुड़िया को रोटी सब्जी खिला दी थी क्योंकि वो चावल खाना कम पसंद करती है। ये है मेरा रात का खाना, मेरी कथा भी हो चुकी थी, पूजा भी हो चुकी थी। मैंने क्या किया है, मैंगो काटा है और सामक्या की मीठी खीर बना ली है अपनी। ये मेरी सामक्या की खीर है, दूध वाली खीर जिसमें सिर्फ सामकिया के चावल हैं। फलहाल वर्थ हो जाता है एक तरीके से, ये सामकिया की खीर, चीनी और दूध, साथ में मैंगो, इसमें नमक नहीं खाना, फलहार वर्थ है एक तरीके से ये। और साथ ही मैंने दाल और चावल भिगो के रख दिए थे और साथ ही सीटी भी दे दी थी ताकि साथ साथ ये काम भी हो जाए। और उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद, बच्चे को खिलाने के बाद, अपने आप खाने के बाद, बर्तन थे वो भी मैं करके सोई थी। आई होप आपको मेरे प्रदोष व्रत का जो रूटीन है और जो महत्व है प्रदोष व्रत का, वो आपको पता लगा होगा।